अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शहज़ाद और आज मैं आपको अपने इस लाइव सेशन पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है और हमारे जो करंट इशू चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे बड़ा इसका ट्रोल किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है सबा कमर और बिलाल सईद के मुतालिक। जो उन्होंने एक गाना बनाया और वो गाना जो है वो जिसका नाम कबूल है रखा, और वो मस्जिद जो जहाँ पे रिकॉर्ड किया, जो तोहीन जहाँ मस्जिद की गई, मस्जिद वजीर खान है और बड़ी पुरानी एक जो है वो एक मस्जिद हमारे लाहौर शहर में, अंदरून शहर में वाक़ है। उस मस्जिद में रक्स किया गया, गाने लगाए गए, बहुत से लोगों ने इसको जो है इस पर एतराज़ किए और वकला ज़रात की तरफ से भी इस पर जो है वो काफ़ी लोग सरापा एहतजाज भी हैं और लोग जो है इसके मुतालिक बहुत सी बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम पे मैंने खुसूसी तौर पे दावत दी हुई है हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, जो जिन्होंने इसके खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ एक छोटी सी FIR फाइल की है और उस पर जो है वो आप बात करेंगे। फरहत मंजूर साहब हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें, अपना टाइम दिया आपने। सर आपका भी शुक्रिया भैया। बचत बचत। अच्छा सर, ये जो इशू चल रहा है आजकल, आपके FIR के मुताबिक आपने इस पर लिखा हुआ है कि आप सिविल कोर्ट के बार रूम में मौजूद थे और दोस्तों के साथ बैठ के आपने फेसबुक पे पोस्ट देखी और उसके जी जी फिर उसके बाद ही आप और आपके दोस्तों ने मिलकर ये एक्शन का प्लान किया, तो सर ये क्या, जी जी थोड़ा सा इसके पहले बता दें कि डिटेल कि आपने ऐसा क्या देखा जिसके बाद आपने एक्शन लेने का सोचा। हम फर्दर जो है 295 की इसमें बात करेंगे, लेकिन पहले जरा। हाँ जी जी इसमें ब्रदर हम ना सिविल कोर्ट में बैठे थे, तो मैं ना फेसबुक चला रहा था तो उसमें मैंने देखा, ठीक है, मैं इनको नहीं जानता था, मैंने कभी इनको ना ड्रामे देखे ना इनको मैं जानता था, तो ये ना मस्जिद की ठीक है, मुझे चीज़ें नज़र आई। मैंने दोस्त से पूछा, साबिर गिल साहब एडवोकेट, मैंने कहा यार ये कौन है, ये कहाँ पे ये सिंगिंग हो रही है, कौन है ये गाँव, कौन गाना गा रहा है। उसने फिर मुझे बताया कि ये एक सबा कमर है, ये एक एक्टर है और ये एक बिलाल सईद है। ये बिलाल सईद का तो मुझे ये भी बताया गया कि ये हाफिज कुरान भी है अच्छा, बिलाल सईद का। तो मुझे जो है ना वहाँ जो दोस्त बैठे उन्होंने कहा ये हाफिज कुरान भी है। मैंने कहा यार अल्लाह ताला माफ़ करे, मस्जिद में जाके एक हाफिज कुरान हो के बंदा ये हरकतें कर रहा है, नऊज़ु बिल्ला, अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या इन लोगों को अल्लाह का डर नहीं है? मस्जिद तो वो जगह है ब्रदर जहाँ पे जो है ना हम ऊंची आवाज़ में मर्द भी बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मर्द को भी इजाजत नहीं है वहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ दीन की बातें करनी है, वहाँ हमने दीन सीखना है, वहाँ हमने अल्लाह की बातें ठीक करनी है है, सर, वहाँ हमने अपने नबी की बातें करनी है। और ये लोग सही बात है, जाके बिल्कुल वहाँ पे गाने गा रहे हैं, और ये जो है ना ना इन ये नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत सी बातें मैं वो नहीं कहना चाहता, बस इधर अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसे लोग जो है ना हमारे जो है ना जो हमारा दीन है उसके ऊपर ये धब्बा है ये। सही बात। अच्छा सर, ये इसमें FIR में बिल्कुल आपने बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, और जो क्योंकि हमारा एक इस्लामिक स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिस आइन के मातहत हम लोग हैं, उस आइन में भी जो है वो ये लिख दिया गया, कह दिया गया कि हमारी जो है स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगी, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो हमने इस्लाम की परफॉर्मेंस करनी। लेकिन कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमने एक डिवाइड जो है वो रखा हुआ है और हम ईस्टर्न और वेस्टर्न को मिक्स कर रहे हैं कल्चर को, तब भी जो है वो हम लोग जो है वो इस्लाम से हटके में और इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें आपने महकमे औकाफ को भी जो है पार्टी बनाया हुआ है, तो पीछे जो है सोशल मीडिया पे जो है वो एक सबकर वगैरह की तरफ से भी जो है वो एक उनकी जो कि टीम की तरफ से एक पिक्चर शेयर की थी, जिसमें कुछ 30,000 रुपये का जो है वो उन्होंने कोई वो जमा करवाया हुआ है, रिसीव टोकन मनी जमा करवाई है, उसके मुतल क्या आपका कह रहे हैं, जी महकमे औकाफ कसूरवार है कि ये डायरेक्टर सिंगर है कसूरवार है? सर, सबसे तो पहले तो महकमा औकाफ कसूरवार है जो ये इजाज़त देते हैं, एक चंद 30,000 रुपए की खातिर ये जो है ना ये हरकतें करवाते हैं मसाजिद में, नाउज़ु बिल्ला। यार जी जी 30,000 लेके तुम लोग कर क्या रहे हो यार, इस्लाम के साथ मजाक जी बना रहे हो, अल्लाह ताला माफ़ बेशक करे, क्या यार 30,000 लेके मसाजिद में तुम लोग ऐसे काम करवाओगे? इसमें महकमा औकाफ के जितनी भी लोग हैं वो ये लोग इतने पावरफुल हैं कि जो है ना हमारी जो एप्लीकेशन थी उस पे SHO ने एक्शन लेना छोड़ दिया, उसने कहा मैंने कोई FIR नहीं करनी, मुझे जो है ना पीछे से थ्रेट्स आ अच्छा, रहे हैं। वो उसके क्यों? बाद उसने आगे ये बात नहीं बताई। उसके बाद मैंने सेशन कोर्ट में आके 22A 22B में चला गया, उधर भी जज साहब ने यही अच्छा कहा, उनकी
हम कानूनी बंदे, हमने फिर कानूनी रास्ता अख्तियार करना था। फिर हमने जब दायर जी जी की, बिल्कुल उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लेके आ रहे थे। और उसके बाद जब अच्छा हमने जज साहब को कहा ये इस्लामी मामला है, इस पे जो है ना डिले ना करें, मामला खराब हो जाएगा, आप मेहरबानी करें। एसपी इन्वेस्टिग 2 दिन गुजर गए थे, हमने कहा एसपी इन्वेस्टिगेशन को या तो बुला लें या एसएचओ को बुला लें, वो रिपोर्ट लेके आए। वो रिपोर्ट लेके आए एसएचओ की, तकरीबन की 10 का टाइम था। तो ठीक है हमने कहा जनाब आप एसपी की रिपोर्ट मंगवाएं, 2 बजे का टाइम दे। जब हमने जज साहब को ये कहा कि जनाब एसपी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट मंगवाएं, एसपी क्या कहते हैं इसके बारे, उसके बाद जब एसपी जी की जी रिपोर्ट आई, 2 बजे का टाइम दिया गया। जब ये कहा गया, जज साहब ने ये कहा अतीकुर्रहमान साहब से, उन्होंने फरमाया कि अगर 2 बजे तक रिपोर्ट ना आई तो जो है ना मैं पूरे थाने को शो जी का नोटिस जारी करूंगा और आपकी तनख्वाहें अटैच कर लूंगा मैं। उसके ठीक बाद है ये रिपोर्ट आई और उसके बाद ये ऑर्डर हुआ। अच्छा तो सर इसमें 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 स्टेट स्टेट जो है वो इन्वॉल्व होगी ज्यादा पहले के जो ये पार्टी में जैसे आपने सबक हमको किया हुआ है ये पहले इसमें इन्वॉल्व होते हैं सर जो क्योंकि महकमा महकमा औकाफ अवकाफ तो स्टेट का इदारा है। जी महकमा औकाफ के जो लोग हैं ना, एक उनका एक डायरेक्टर, उन उन उनकी मेरे साथ बात हुई है। वो कहते हैं सर हमने जो है ना कवायद जवाबित बनाए हुए हैं, उसके मुताबिक जो है ना हमने इनको इजाजत दी थी। ठीक है, मैंने फिर अच्छा उससे ये सवाल किया, मैंने उसको ये सवाल किया यार इन्होंने हरामजदगियां जहां करनी है जाके करें, लेकिन मस्जिद में ये इजाजत नहीं होगी। और इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में भी मैं रिट कर रहा हूँ, तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो है ना इस तरह अच्छा के जो ड्रामे हैं या फिल्मी सीन है मस्जिद के अंदर, इनको रोका जाए, किसी को इजाजत ना दी जाए। वो अगर वो इसी चीज को देखें तो अक्सर मस्जिद और इस तरह की जगहों पे बादशाह मस्जिद में भी अमूमन मैंने खुद देखा है बजाते खुद देख लिया है कि शादी और निकाह के फंक्शन किए जाते हैं और मस्जिद के अंदर ही चले निकाह होने के बाद एक औरत पे और उसके हस्बैंड पे एक राइट आ जाता है वापस में जो जैसे भी रहे जाना चाह सकते हैं लेकिन पब्लिकली वो खड़े होके इस तरह के शूट करते हैं ऐसे पिक्चर्स लेते हैं और फिर वहां पे जो मेहमान आते हैं उसके मुताबिक क्या आपकी राय है कि उसको भी जो है रोकना चाहिए। सर मेरे अंदाजे में जो निकाह है ना, निकाह तो चलो अलाउ जी सर होना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर बनाना है और जो है ना शूटिंग करनी है, ये बिल्कुल कतन नहीं होना चाहिए। ये हमारे इस्लाम के मनफी नहीं होना चाहिए है, इस्लाम इस्लाम ये इजाजत नहीं देता। मस्जिद में हमने अल्लाह का जिक्र करना है, हमने अपने अल्लाह का जिक्र करना है, हमने वहां नमाज पढ़नी है, सही ये बात इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको एक छोटी सी और चीज बताता हूँ। ये ना 13 तारीख को, ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये 13 तारीख को एक ये जी जी लेटर इन्होंने लिखा है जनाब, इसके ना 4 पॉइंट है, महकमा चार कॉफ ने अच्छा महकमा औकाफ के। मैं आपको ना वो क्या चार पढ़ पॉइंट के कहते सुना, हैं। जी, मैं सुनाता हूँ। बेहतर होगा। ये उन्होंने जनाब दफ्तर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब लाहौर ने जी जनाब जारी किया, उनके दफ्तर से ये नोटिफिकेशन है। पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन के जेर तवील मसाजिद मजारात में रिकॉर्डिंग शूटिंग के लिए हस्ब जैल शराइत कवायदो जवाबित को मद्देनजर रखा जाएगा। इसमें है जी नंबर एक, मसाजिद और ठीक है मजारात पर किसी भी फिल्म ड्रामे की शूटिंग की इजाजत नहीं होगी, शूटिंग की इजाजत नहीं अच्छा होगी। ठीक है, नहीं नंबर होगी दो ठीक है किस नहीं होगी नंबर दो, किसी भी इदारों को महकमा औकाफ के जेर तवील मसाजिद या मजारात में किसी भी खातून पर सीन अक्स बंद करने की इजाजत ना होगी। नंबर तीन, किसी ठीक मस्जिद है या मजार पर कोई सीन फिल्म ना तो मुतलका मैनेजर और जोनल एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेदार होगा। अगर कोई ये कह रहे हैं तीसरे पॉइंट में, ठीक है अगर कोई वहां पे फिल्म का सीन बनाया गया या ड्रामा का सीन बनाया गया तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो जिम्मेदार होगा। अच्छा, 3 पॉइंट ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जनाब जो है ना हम इजाजत नहीं देंगे। चौथे पॉइंट में आके नहीं जनाब देंगे ये कहते हैं अगर महकमा औकाफ के जेरे तवील मस्जिद या मजार पर कोई दस्तावेजी फिल्म बनानी मकसूद हो तो इसका स्क्रिप्ट ठीक है ठीक शोबा मजहबी अमूर को जमा करवाया जाएगा और वो इस पर अपनी राय है देंगे। मंजूरी की सूरत में ठीक मैनेजर है औकाफ जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की निगरानी में दस्तावेजी फिल्म बनाई जाएगी। आप मुझे ये बताएं, ठीक है ठीक ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एक ये लेटर जारी कर रहा है, उसमें वो 3 पॉइंट पे कह रहा है, उसमें वो 3 पॉइंट में कह रहा है कि हम इजाजत नहीं देंगे। चौथे पॉइंट में नहीं वो देंगे आके फिर वही चौथे पॉइंट में फिर आके वो यही कह रहा है कि जो है ना हम इजाजत देंगे, लेकिन वो देंगे जो सीन क्रिएट होगा वो हम उसको पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये चलाना है या नहीं देखेंगे चलाना। ठीक
यार ये कौन लोग हैं, मुझे समझ, ये मजहब से दूर लोग हैं, कौन लोग हैं मुझे तो समझ नहीं यार। ये इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे, तीन ठीक है, अब तीन महकमे पॉइंट पे औकाफ के पहले अगर वो। आप उनके ये जो दोबारा आप ये जो पॉइंट बताए आपने, ये इसका दोबारा जरा रेफरेंस दे सकते हैं, ये किस जगह पे ये क्या रेफरेंस है, क्या ये कोई इनका रूल्स ये रेगुलेशंस सर पे कहाँ ये पे लिखा हुआ है? मैं बत इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है जी। ये है जी डॉक्टर इरशाद अहमद साहब हैं, कुछ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं औकाफ पंजाब लाहौर के। ये सर डॉक्टर इसके एक इरशाद अहमद और साहब, ठीक है डॉक्टर इरशाद अहमद, अच्छा इसमें एक है ठीक है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन एडमन अव्वल, इसके साइन है सिग्नेचर है जिसने ये इजाजत दी है चौथे नंबर पे। ठीक है ठीक और ये जो सीसी की है, ये इन्होंने 6 बंदों को सीसी किया जनाब। एक है जी जुमला डायरेक्टर औकाफ पंजाब लाहौर, नंबर 2 जुमला जोनल है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब, नंबर 3 प्राइवेट सेक्रेटरी बराए वजीर औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब लाहौर। इसका मतलब है ठीक है, वजीर को भी ये लेटर गया है, वजीर साहब को भी गया है जो गया हुआ गिलानी साहब है। हाँ इसमें जनाब अच्छा ठीक प्राइवेट है। सेक्रेटरी, इसकी तारीख इसमें की डेट, इसकी डेट डेटेड क्या है, ये डेटेड क्या है, ये 13 अगस्त 2020 का लेटर है सर। ये मैं दो आपको हजार बीस व्हाट्सएप का है? भी अच्छा कर अच्छा देता जी हूँ जी। जी 2020 जी का मुझे जब फाइंड ये कर दीजिएगा वाक्य, ताकि रहने में मुझे। ये जब वाक्य हुआ है उसके बाद ये 3 पॉइंट में कह रहे हैं कोई सीन नहीं होगा। चौथे में फिर यार पैसों की खातिर तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों जी सर, को, अभी भी खुदा उन्होंने, का खौफ अभी जो करो ये। सुनने में आया कि उन्होंने मैनेजर को फायर कर दिया है, अपने वहां से अहदे से निकाल दिया है, तो क्या सर वो बात बायस ये, नहीं हो गए बस? सर बात ये वो निकालें, वो तो उनकी कार्रवाई है ना, हमारी जो कानूनी कार्रवाई है वो तो हमने करनी है जी ना। ठीक जो है। जो अच्छा हमारी ये जो कानूनी अभी कार्रवाई है, जी देखें जी 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 बोले बिरादर। अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि आपकी एफआईआर में एक सेक्शन डाला गया है 295, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा इश्यू चल रहा है, बड़ा जो है ना वो सबा कमर वाला को डराया जा रहा है, जो मुझे सोर्सेज से चलने को आ रहे हैं बड़े डरे हुए हैं, और जब ये इनको बेल मिली थी तो मैं हैरान हुआ था कि 295C की बेल इन डरम कैसे फौरन को जल्दी मिल गई और अमूरी जुबान पे जब आ गई, इसमें तो वो मैंने इसमें मीडिया सर से जब ये इस चीजें देखी तो वो चला पता कि वो 295C ही 295 है, तो ये जरा कन्फ्यूजन जी दूर जी करेंगे, 295C और 295 क्या कहते हैं? सर 290A B C वो नहीं है, वो इसमें लगते नहीं है। 290 सिर्फ 295 ठीक लगता है जहां पे मसाजिद की बेरुमती होगी, 295 लगता है, और इसकी 2 साल है, सजा है। और ये बेलेबल ऑफेंस है। देखिए सर हम कानूनी बंदे हैं, बेलेबल हमने ऑफेंस ना किसी के बेलेबल ऑफेंस है, ना हमने किसी के साथ लड़ना है, ना हमने किसी के साथ झगड़ना है, ना ये हमारा नजरिया है। हम नेक्स्ट लोगों ठीक को ये सबक सिखाना चाह रहे हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे दीन इस्लाम में मसाजिद में ये हरकत हम किसी को नहीं इजाजत देंगे ये हरकत करने की। है ठीक है बिल्कुल इसमें जो जो बिल्कुल मुलविस इसमें जो जो मुलविस है औकाफ के लोग, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत अल्लाह के बेशक हाथ में। जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं हमने नहीं छोड़ना, कानून के मुताबिक हमने सजा दिलवानी है, कार्रवाई करनी, चले इंशाल्लाह। कार्रवाई अच्छा करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। ये जो दूसरी लोग दूसरी सपोर्टर हैं, और जी, फरमाए फरमाए मुझे कह रहे हैं जी, आप, अच्छा मैं ये कह रहा हूं तो दूसरा इशू का कहा जा रहा है कि जो है ना मसाजिद में कुछ और भी चीजें, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने पहली दफा ये चीज देखी है, मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया है, और नेक्स्ट जी टाइम वही वही मैं इंशाल्लाह बात वही मैं बात आपसे करने लगा था यही मैं जी बात आपसे जी करने लगा था कि मैं बात को काट रहा हूँ, कि ये जो लोग सपोर्टर हैं, ऑब्वियसली ये सोसाइटी में डिवाइड तो आ जाता है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग नहीं करते, तो जो लोग सपोर्टर हैं वो एक बड़ी जो है ना वो मिसाल दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब जो है वो बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वीडियो वगैरह मौजूद है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया बिल्कुल जा रहा, उस पर कोई टीवी चैनल नहीं बोल रहा, और सिर्फ इस इशू को जो सब बोली जा रहे हैं इसी पे बात, ये लोगों की राय है, लोगों की बात करने का तरीका इसी लिहाज है, इसके वो बारे में क्या ख्याल है लोग आपके, अब कि वो उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं और इसको हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, क्या ये नहीं जो है वो एक उसको कॉन्ट्रोवर्सी की उसको वजह से हाईलाइट किया जा रहा है? उसको हारिस भाई उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर रहे, वो हमें बताएं कौन सी जगह है, कहाँ का मौलवी है, नाम दें, हम इंशाल्लाह मैं एक्शन लूंगा, मैं आगे आऊंगा, मेरा वादा है आपसे। आप मुझे उस बंदे का नाम बताएं, मौलवी कहाँ का है, किधर का है, कहाँ से, वो मस्जिद कहाँ है जिसने नऊज़ुबिल्लाह ये हरकत की है मस्जिद में, मैं आगे आऊंगा सबसे पहले। मेरे मेरे बिल्कुल नॉलेज अच्छा में ऐसी कोई, बिल्कुल इसके आपकी बाद बात सही जी है, जी सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा ठीक है, है एक मौलवी साहब की जो है ना
ये हरकत मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है, जब से ये वाकया हुआ है ना, ये अपना ये मस्जिद वाला, मस्जिद वजीर खान का, उसके जी बाद जी का जब जब से मेरी FIR हुई है, ये बातें आई हैं बड़ी, मुझे भी लोगों ने कहा अच्छा सर, कोई स्पेशल कोई थ्रेड वगैरह मिलती है आपको? सर मुझे जो है ना मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स वगैरह तो आ रही हैं, पर खैर अच्छा एहतियात तो बड़ी जरूरी है, तो बाकी जरूरी इंशाल्लाह है। अगर कोई ज्यादा मसला मसाइल होगा तो इंशाल्लाह IG साहब से रिक्वेस्ट करके कुछ सिक्योरिटी भी ले लेंगे, बड़ी सिक्योरिटी तो ऊपर वाली जात है, अल्लाह का खैर करे, अल्लाह अल्लाह ताला बेशक है, जी, अल्लाह ताला है, खुदा हमने खुदा हाँ ताला की बात है, खुदा ताला अल्लाह की बात, अल्लाह ताला अल्लाह बेशक ताला है सर सिक्योर। जी जी बोले अच्छा, ये जी आरिफ एक बल्कि भाई। वकील साहब ने सवाल भी पूछ लिया है, वकील साहब ने सवाल पूछ लिया है, जरा उस पर थोड़ी सी गौर फिक्र करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी FIR could not be launched under section it has been categorically mentioned in section 196 of CRPC that offense under 295 can only be cognizable if a complaint launched by a provincial or federal government or any other person authorized in this behalf. So there is no legal importance of this FIR. सर इसके बारे में क्या कहना आपका? वो ये सेक्शन जो है वो वन नाइन जी जी नदीम सरवर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही कहा था कि अगर देखे जी अगर जी स्टेट नहीं बनती, स्टेट नहीं बनती अगर, उसमें फिर हमने तो आगे आना है जी ना, जी हमने तो अच्छा आगे सर, आना है ना, अगर स्टेट की ये इसमें स्टेट हरकतें, तो वो खुद इन्वॉल्व है। स्टेट खुद इन्वॉल्व है, एडवोकेट ये नदीम साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, इनको कहें जब स्टेट ही इन कामों में मुलव्वज़ है, स्टेट ने क्या करना है यार, हमारे हमारे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, देखने का ये सीन देखने के काबिल नहीं थे जो इन्होंने किए हैं मस्जिद में। अच्छा सर, वो बिलाल सईद ने एक वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया, वीडियो पैगाम में माफी मांगी, और बल्कि जो गाना उनके बाद में रिलीज हुआ है उसमें से उन्होंने वो निकाल ही दिया है जो एक्शन किया गया था वहां पे। सर जी सर क्या कह रहे हैं, मैं ये फरमा रहा हूँ कि बिल्कुल मैं कह उसने रहा हूँ कि जो बिलाल हाँ सईद माफी, ने माफी मांगी आके। जी, जी जी माफी बिल्कुल मांगी है जी, तो माफ करेंगे, माफी मैं तो नहीं दे सकता, माफ करने वाली सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जात है, उसके बाद बेशक माफी का एक तरीका कार है, माफी जरूर मिलेगी जनाब, पहले तो कानून के मुताबिक चलेंगे, उसके बाद माफ करना, देखें माफ जिसका दिल बड़ा होता है वो माफ करता है, हम भी माफ करेंगे, हमारा मकसद बेशक किसी के साथ मेरी जातियात नहीं है, इन्होंने एक गलत हरकत की है, ठीक है उसकी उनको इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि जी, बाद में ये हरकत करने से पहले लोग 1000 बार सोचे कि हमने ये काम नहीं सोचिए करना। सही बात। अच्छा, बेशुमार लोग हैं, वो पहले भी मीडिया के ही लोगों ने काफी गाने रिकॉर्ड किए, मस्जिदों में जाके काफी रक्स किए, इवन दो हमारे जो जितने भी ये ड्रामास बनते हैं उसमें अक्सर वो मज़ारों का, और जैसे अब्दुल्ला शाहगाजी के मज़ार हैं वहाँ पे कराची में, उसका अक्सर वो दे रहे होते हैं कि जी वहाँ पे जाके मन्नतें मांग रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बैकग्राउंड में गाना लग रहा हुआ है, लगा हुआ उनके। मैं दो तीन ड्रामास का बता सकता हूँ, तो वो सारे ड्रामास के फिर आप उनको बीच में शामिल करेंगे, आप पाकिस्तान जो मीडिया ड्रामा इंडस्ट्री उसको भी कर सकते हैं। सर बिल्कुल इसके ऊपर ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, इसमें अभी बहुत कुछ चेंज होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अब ये महकमा औकाफ जिन हरकतों में पड़ा हुआ ना, ये इनकी हरकतें मैं बंद करवा दूंगा, ये जो ठीक हो गया पैसों की नदीम खातिर साहब जी। पैसों के नदीम लिए साहब कुछ नदीम साहब ने कुछ लिखा है कि जी बट लॉ डिड नॉट अलाउ, प्यारे भाई, कोर्ट ऑलवेज प्रोसीड अंडर द लॉ, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो क्राइम। तो क्या कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता? वैसे 295 में तो वाजह लिखा हुआ है कि जो आपका मस्जिद की जो तोहीन करे उसके खिलाफ जो है वो केस वो कार्रवाई की जाएगी, तो क्या 295 क्या कह सी रहे जो हैं है वो, नदीम साहब ने क्या एक आपको क्या कमेंट लिखा हुआ है कि बट लॉ डिड नॉट अलाउ, प्यारे भाई, कोर्ट ऑलवेज प्रोसीड अंडर द लॉ, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो क्राइम। एनी हाउ सेकंड उन्होंने दोबारा लिखा, एनी हाउ आई स्ट्रांगली अप्रिशिएट योर व्यूज। वो खैर आपके व्यूज को भी जो है बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो आई थिंक वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की थी वो स्टेट और या गवर्निंग बॉडी ही जो है वो करवा सकती है, तो लेकिन 295 जो सी होता है उसका तो केस, एक आम बंदा भी जो है वो जाके 295 सी का केस SP को दरख्वास्त देगा तो केस को छोड़ देगा 295 सी का, तो 295 के लिए जो है वो जो CRPC 196 के सेक्शन के तहत क्यों जो हमें जो है वो
मुझे जाके जो है आपकी उस आवाज, युवा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इस बारे में कोई आपकी राय है? ड्रॉप हो रही है ये। मैं ये फरमा रहा हूँ जी, मैं 295 की बात कर रहा जी हूँ कि सेक्शन जी 295 जी जैसे नदीम साहब ने ऊपर फरमाया कि इसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस की तरफ से जो है प्रोविंशियल बॉडी इन्वॉल्व होगी और वो ही जो है वो केस, मैं तो अभी उनसे सुन रहा हूँ, मैंने सीआरपीसी जो है 196 को भी नहीं थॉरली देखा, जी तो वही हमारे हैं। अगर आपकी इसमें कोई राय मुख्तलिफ सी है तो उसके बारे में बता चाहिए आप। सर देखें, जो हमारा जो फेंस बनता था ना, एक तो 295 बनता था, वो हमने लगवा लिया। आप आगे एक लगना है साइबर क्राइम का, एक जो इन्होंने वीडियो बनाई ठीक है है, जो इन्होंने जो है ना फेसबुक पे चढ़ाई है अपने अकाउंट से, और जो है ना उसके बाद इन्होंने जनाब एक टिकटॉक वीडियो आजकल नई बनी हुई है जो बेहयाई फैला रही है, उसके ऊपर इन्होंने चढ़ाया है, वो इंशाल्लाह साइबर क्राइम भी इनके ऊपर लगेगा, एक्ट लगवाएंगे। अच्छा, नदीम साहब ने भी टिकटॉक को बैन करने के लिए जो है वो रेड फाइल की थी और हाँ काफी जी, हद तक वो बड़ी पबजी बड़ी तो बैन की लेकिन दोबारा खोल दिया। बड़ी खुशी हुई थी सर, नदीम भाई की खबरें हम देखते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े एक्टिव एक्टिव जी, हमारे भाई हैं नदीम साहब, बल्कि हमें भी कोई हेल्प लेनी पड़ी अच्छा क्या ऐसा नदीम तो भाई नहीं से, है, लेंगे जरूर लेंगे। बेशे, बेशे। अच्छा क्या ऐसा तो नहीं है कि जो वकील हजरात जो है वो अक्सर नए वकील जो सुनने में आता है, प्लीज मेरी बात माइंड मत कीजिएगा, मैं कोई ऐसी आपके बात नहीं कर जी रहा था, लेकिन अमूमन जो है वो मैं देखता हूँ कि कोई नए वकील जो है वो अक्सर ये पब्लिक इंटरेस्ट में रिट फाइल करते हैं और वो थोड़ी सी जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल सी होती है, लेकिन एट द एंड वो उसका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। एट द एंड वो फिर जो है वो अदारे उनको प्रॉपर सुन नहीं पाते और फिर वो स्टार्टिंग में तो उनको खैर रिस्पॉन्ड मिलता है लेकिन वो फिर ओवर रूल कर दी जाती है और उसको जो है वो उसका जो है वो केस पेंडिंग रहते हैं, चलते रहते हैं। मैंने एक वक्त पे सुना नहीं था कि जी वो मूवी आई थी बोल, आई थिंक बोल के नाम से अच्छा जी, कोई बोल नहीं की गई थी और उस टाइम भी जी आपकी आपको आवाज आवाज आ ड्रॉप रही हो है रही मेरी? है। मैं एक मैं पब्लिक इंटरेस्ट की फरमा रहा हूँ कि अगर मैं आपको थोड़ी याद हो आज से सर मैं पब्लिक फरमाए। इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात बता दूं। देखें सर, जी जी वकील ने ये पाकिस्तान बनाया था, हम वकीलों ने ही पाकिस्तान को बचाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बचाएंगे। साबिर जो अपना बेशक नदीम सरवर साहब हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, और मैं भी करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। पेट्रोल शार्ट हुआ था, उस पर भी मैंने की थी, मेरी अभी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा अच्छा एक जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो महकमे जो चीज़ें अपने काम पूरे नहीं करते, वो फिर वकीलों को तो आगे आना पड़ेगा ना, हमने तो अपना काम करना है सर, आना ठीक पड़ेगा सर। है ना। नदीम भाई बहुत अच्छे, नदीम सरवर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अप्रिशिएटेबल हैं वो हमारे भाई हैं, हमें खुशी होती है। हाँ, थैंक यू। अच्छा बड़ी खुशी होती है। सर बात ये है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बोल, वो जी आतिफ असलम जी की मूवीज में आतिफ भी था, मायरा खान भी थी और उस टाइम एक रिट फाइल की गई थी हाई कोर्ट में जिसमें जो है वो जमात इस्लामी के वकील साहब ने बल्कि रिट फाइल की थी और उसमें ही जो उन्होंने इंतशाफ मतलब जो भी अपना मौकफ फैक्ट लिए हुए थे वो यही थे कि जी जो उसमें मेन बंदा है मुफ्ती साहब ने दाढ़ी रखी हुई है उनके जो है वो खिलाफ दिखा रहे कि उनके घर एक जो है वो एक बच्चा पैदा होता है जो जो है वो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो उसके बाद वो अपने बच्चों को खुद मारना चाहते हैं, मारते भी हैं, फिर एक बेटी पैदा करते हैं और निकाह के थ्रू वो बेटी पैदा करते हैं, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। उस पर भी रेड फाइल की लेकिन अल्टीमेटली वो रेड जो है फिर वो वापस होगी और विड्रॉ होगी और एट द एंड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जो है वो चीजें रिजॉल्व होती हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी इस मामले में भी जो है वो फ्यूचर में कुछ इस तरह की जो है वो आमदोर या हम पेश कोई कर सकते हैं, कोई इस तरह का एलिमेंट सोच सकते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि आप जो है ये केस को ड्रॉप कर देंगे? सर बात ये है, हमारा मकसद सिर्फ केस करने का मतलब ये था, किसी को न देखें, हम नहीं चाहते कि हम हमारी वजह से कोई हर्ट हो या किसी को हमारी वजह से कोई हर्ट तकलीफ हो, पहुंचे। हमने सिर्फ बिल्कुल सबक सिखाना था, वो हम सिखाएंगे, एट दी एंड तक सिखाएंगे। ये जब तक ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारे पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान लोग हैं, इनको उनसे माफ़ी मांगनी जी पड़ेगी, जी सर, और नाउद और ये माफी माफ़ी तो मांग ली मांगेंगे। हुई है लेकिन क्या माफी ही हल है? क्या माफी ही एक जो जी है रहेगी कि बाहर बंदा जो है वो अपने इजहार राय और अपनी जो है फ्रीडम एक्सप्रेशन का इजहार करे और आके जो है वो तहस नहस में कुछ भी बोल दे कर दे और बाद में माफी मांग के जो है माफीनामा सर, मेरे साथ अदालत में आके जो है वो जैसे पीछे समन होता रहे? मेरे साथ एक आज दोस्त बैठे थे सीनियर,
तो उन्होंने यही कहा है, जी मैंने जी उनको यही कहा, उन्होंने मुझे कहा है कि अगर ये माफी मांगते हैं मीडिया के सामने आते हैं हमें माफ कर देना चाहिए। मैंने फिर उनको उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा सर फिर हर बंदा उठ के यही हरकतें करे और आप बाद में आके 2 दिन बाद माफी मांग ले, ठीक मांग लें बिल्कुल। है ना, ये तो हरकतें हैं ये अच्छा सर, सर। कुछ लोग मुझे मुझे मैसेजेस भी एक दो प्राइवेट आ गए हैं कि सबा कमर जो है वो पीछे कुछ जी अर्सा जी पहले एक बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी निकली थी सबा कमर बताते खुद की कि वो कहीं उसने मूवीज भी की हैं, हिंदू मूवीज इंडिया में जाके की हैं, तो वो कहीं वहां पे वो भगवानों में बैठ के बिल्कुल भी की है उसने जी, कहीं इस बिल्कुल तरह का काम किया है, उसके बारे में क्या राय है? वो मतलब शायद वो अनासर तो नहीं आप यहाँ पे उसको लेना चाह रहे कि सबा कमर जो है वहां पे जो प्रीवियस प्रैक्टिस सर, की है उसको देखते सर हुए? सर यही तो इनका काम है ना, इनको सिर्फ पैसे से प्यार है, इनको जहां से पैसा मिलता है ये लिबरल बनना चाहते हैं जनाब। इनसे ये मेरा इनको ये एक मैसेज है आज, अगर लिबरल बनना है तो बाहर चले जाएं पाकिस्तान से, इधर हम आपको ये हरकतें नहीं करने जी देंगे। सर एक चंद पैसों की खातिर तुम लोग ये हरकतें करो, हम ये नहीं, हम हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा मुसलमानों से। ठीक है सर, इन्हीं हरकत की वजह से कि आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो उसमें जो हमारा मुल्क है वो इस्लामिक के उस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बना हुआ है, और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने जो है एक नारा लगाया कायद में नारा लगाया कि 14 अगस्त में बड़ा जो है वो पाकिस्तान का हमने मतलब बिल्कुल देखा, बिल्कुल जी बिल्कुल और जो है वो हमने इस्लाम के ऊपर जो है वो हमने इसको पाकिस्तान को हासिल किया और बहुत सी कुर्बानियां शहीदों ने दी, लेकिन 14 अगस्त पे जो है वो हमने अपने शहीदों की जो कुर्बानी है वो ऐसा लगता है कि जाया कर दी है, क्योंकि जो लोगों ने बाहर वो तूफान क्रिएट किया हुआ था, लोगों को तंग किया और घरों से निकल के जो है वो एक बाजे बजा रहे थे यार, जज्बा मैं तो दिखाया, हैरान। बाजे बजाए। अच्छा हाँ जो बाजे उसको देखते हुए आज के लिए कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, हमारा बाजे तो कोई टॉपिक नहीं है लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि वो इसराइल को भी तस्लीम करने के लिए कोई जो है वो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे कुरान में लिख दिया गया है सूरह बकरा में कि मोमिनों में से ही वो लोग होंगे जो तुम में से होंगे, तुम में से नहीं होंगे लेकिन तुम बज़ाहिर बनेंगे कि मोमिन आपकी बनेंगे आवाज लेकिन तुम ड्रॉप, मोमिन नहीं होंगे? आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है ब्रदर। सर मैं ये फरमा रहा हूँ, अगर आप मेरी दोबारा आवाज़ सुन सकते जी हैं, जी कि जी सूरह जी बकरा जी की एक आयत है जिसमें ये कह दिया गया है कि जो मोमिन होंगे वो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जो मोमिन होंगे वो तुम में से ही होंगे, तो बजाय तुम में से मोमिन होंगे लेकिन मोमिन नहीं होंगे, अंदर से वो कुफार ही होंगे लेकिन वो प्रटेंड करेंगे वो मोमिन है और वो मुस्लिम बन के जो है तुम लोगों को अंदर से जो है वो तुम्हारे अंदर घुस के जो है खराब करेंगे। तो ये सुनने में आ रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, कुछ इस तरह की आपकी न्यूज आज आवाज ही फिर अखबार में ड्रॉप छपी हो थी रही, सोशल मीडिया पे। सर कौन आपको मेरी कौन आवाज आ तस्लीम रही है? कर रहा है? आपको वो इसराइल इसराइल को जो हमारे आपकी पास वो आवाज लिंक था ड्रॉप, उसको भी सुनने को, आपकी इसराइल के आवाज बारे में, ड्रॉप हो रही, इसराइल के बारे कौन में बात कर इसराइल रहा को, हूँ। अच्छा कौन कौन स्टेट सर, उनको एक्सेप्ट कर रहा है, स्टेट हमारी के बारे में सुन रहे कोई पाकिस्तान? इस तरह की न्यूज़? जी जी सुनने में इस तरह का आ रहा है, कोई दिखा रहा था पीछे सोशल मीडिया पे, क्या आपको लगता है कि ये जो है वो कल को हमारे पाकिस्तान में जिस तरह मंदिर बना रहे हैं और डिफरेंट जो है वो चीजें एक्सेप्ट की जा रही हैं और लिबरलिज्म जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये भी जो है वो हिस्सा बन सकता है हमारे इसका पाकिस्तान की जो है वो गवर्निंग बॉडी सर का? या देखें शायद को सर, सुनने में आता है कि यूएई के। जी जी सर देखिए इसमें ना जो इमरान खान साहब ने एक नारा लगाया था कि ये मदीना की रियासत होगी, ये मदीना की रियासत होगी, कि इसने जी जी जितने भी ये बातें की थी ये सारी झूठ पे मबनी थी। अब मुझे ये बताएं, मंदिर बनाने का क्या तुक है इसका? इसी को कहो खुदा का वास्ता है यार, कहीं मस्जिद बना लो, ठीक है कहीं तुमने कहीं स्टेट ने किसी को पैसे दिए स्टेट ने कि यार मस्जिद बनाओ एक अच्छी सी? कभी इन्होंने कहा है कि यार मसाजिद के बिल में हम फ्री नॉट कर एट देते ऑल। हैं, मस्जिद में हम बिल बिल नहीं लेंगे? मंदिर बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, मंदिर बनाने के लिए इनके पास हर चीज है, हमारी मसाजिद मुसलमानों के लिए इनके पास फ्री अच्छा पैसे नहीं है। नहीं है, सही हो गया। अच्छा सर, आइंदा पेशी का भी आपकी इसकी फिर केस की? हेलो जी, मैं पूछ रहा हूँ आइंदा पेशी का आप इस सर, केस की, 25 तारीख है, 25/8, तो सर 25 तारीख को फिर आप क्या पच्चीस जो है वो आठ पच्चीस आर्गुमेंट, क्या आठ आर्गुमेंट्स जो है फिर आपने क्या आर्गुमेंट कोर्ट के पाएंगे अपनी तरफ से फिर? सर वो तो फिर 25 तारीख को ही देखेंगे, अभी तो 25 तारीख फिल वक्त को? में अच्छा, जो आप जाएगी तो साइबर काफी क्राइम का सेटलमेंट जिक्र जाएगा। कर रहे हैं, साइबर क्राइम में भी आप हाँ जो है वो इन कंप्लेन फाइल करने लगे इनके अगेंस्ट? जी, वो भी इंशाल्लाह वो हो गई है, हो गई भी? अच्छा अच्छा वो भी हो गई सही है, हो गया हो गई है, हो सर। गई।
अच्छा, इसके अलावा भी और भी फॉर्म आप वो इख्तियार कर रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट में रिट फाइल कर रहे हैं, लेकिन सर वो रिट अगर आप फाइल करते हैं वो गाना तो रिलीज हो गया है, क्या आपने उस गाने को रोकने के लिए रिट नहीं फाइल करनी थी? नहीं, वो इनका एक जो है ना, मुझे कोई मैसेज मिला था कि जो है ना, जो फिल्म इनकी रिलीज हो रही है उसमें से ना जी जो जी ये सीन था, ये गाने वाला, इन्होंने ड्रॉप कर दिया, वो ड्रॉप ड्रॉप कर कर दिया, दिया जी जी कर दिया है। तो क्या वो जी, अब ड्रॉप कर दिया, फिर भी ड्रॉप आप कर उसके दिया है खिलाफ जो है वो, वो लेकिन वो हिस्सा तो इसी का था नहीं। ना। हम देखे, हम हारिस भाई, जो हमारा प्रॉपर फॉर्म था ना, वो हम अडॉप्ट कर चुके हैं। जो हम सेशन कर कोर्ट चुके से हैं 22 A 22 B में कहते हैं कि हमारी FIR होनी चाहिए, वो हो गई है। और दूसरा, मैं होनी आपको एक चाहिए, बात हो गई है। बताता चलूं, जिस दिन इन्होंने ये अप्लाई की है, बेल अप्लाई की है, 8:30 बजे जी जी मैं वहां पहुंचा हूँ कोर्ट में, मेरे साथ 3-4 दोस्त भी थे। तो 8:30 बजे मैंने जब पता किया कि जब जनाब जो है ना, ये बेल अप्लाई हुई है, वो कहते हैं हाँ जी, पहले 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 नंबर पे इनकी बेल आई है। और जब मैं अदालत में अच्छा वहां जी पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब, वो तो छुप के आए हुए थे, मुंह छुपा के आए हुए थे, वो नजर ही नहीं आ रहे थे ये कौन आए हुए। हाँ, अच्छा, वो डर तो बड़ा है, फिर इस तरह की हरकतें करेंगे तो डर तो होगा ना। लेकिन हमारी सही किसी के बात, साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई नहीं लड़ाई नहीं नहीं है। हमारा जो कानूनी कानूनी हक है, कानूनी राइट है, वो हम जो है ना, हम उसके मुताबिक लड़ेंगे ना। हमने इनके साथ लड़ना है ना, हम कानूनी लोग हैं, हम जो है ना कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सही हो गया। सही है सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती टाइमों में दिया और बड़ी जो है इस पे रहनुमाई हमारी की, बड़ी बात की। बताते खुद मैं जो है वो एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ, मैं तो बायस ही हूँ, मैं तो न्यूट्रल ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मेरे मुताबिक अगर मेरी राय ली आपकी जाए तो आवाज ऑब्वियसली ड्रॉप हो रही है जो मेरे। जो तोहीन मैं हुई है आपको ना एक मजलूम की छोटी वो तो सी, की गई है। ये देखें, ये जनाब इधर, ये हैं जी सबा कमर, जी, ये ये वो सबा चमा कोर्ट में आई सबा। हुई थी हाँ जी, कोर्ट में आई हुई थी ये, बिलाल से। अच्छा, बेल के दौरान उनको बेल मिली है। जी, ये तो इनका राइट था ना सर। इंशाल्लाह 25 तारीख को जी बेल जी इनसे बिल्कुल मिली। राइट है इंशाल्लाह सर, मैं यही अर्ज आपको करूंगी, भी बहुत अच्छा लगा आपने। जी, मैं इंशाल्लाह जरूर हाजिर हो जाऊंगा, मैं 25 को, बल्कि मेरे भी एक दो जाती केसेस लगे हुए हैं और सेशन में सर, लगे हुए, तो इंशाल्लाह वहां पे मुलाकात हो जाएगी। सर बहुत जी शुक्रिया जी आपका, जरूर आपने आप, अपना कीमती टाइम दिया और हमारी बड़ी रहनुमाई की और लोगों को जो है अपने व्यू से आगाह किया और अपनी सोच के बारे में बताया, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे और बहुत से लोग जो है वो ऑब्वियसली हम एंटरटेनमेंट का शिकार है और हमें एंटरटेनमेंट का शौक है, तो काफी लोग जो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनको उनकी रहनुमाई नहीं की जा रही थी कि ये असल में हमारे लॉज क्या प्रिवेल करते हैं, इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं। और जैसे कि जैसे हमने बातें की बिल्कुल हैं, बातों से बातें निकली और हमने जो है वो सबा कमर से स्टार्ट होके पीछे पूरी टीम और हमारी जो है स्टेट तक जो हम पहुंचे हैं और स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, सारी हमने बात की है। तो आई होप के जो आपका मकासद बिल्कुल जो लीगली राइट बिल्कुल बनता है आप वो कब आपको प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह जो है लॉ के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो लॉ तो ऑब्वियसली हमारा जो जस्टिस है उसी पे इंशाल्लाह डिपेंड करते हैं, कानून के मुताबिक, कानून के मुताबिक, कानून के मुताबिक। कानून के इंशाल्लाह मुताबिक इंशाल्लाह सर, थैंक यू इंशाल्लाह सो मच, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात कानून के होगी आपसे, मुताबिक। कोशिश करेंगे कि 25 को भी दोबारा आपसे जो हम टच में आ जाए और 25 को जो कार्रवाई की जाएगी उसको भी जरा एक दफा जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जरूर जिनको नहीं जरूर पता कि जरूर, कोर्ट में कोर्ट के अहाते में क्या हो रहा है उनको उससे भी आगाह कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मुझे मच, मुझे अपना एक आप बात ख्याल और रखिएगा जी, सर। जी जी थैंक जी यू भाई, फरमाए, तो जी थैंक यू जी। फरमाए, जब बात कोर्ट करिए में जब बात मैं कर गया लेंगे। ना, मैं एक बात रह गई थी, सॉरी, एक बात, जब मैं कोर्ट में एंटर हुआ ना, तो जज साहब ना पीछे चैम्बर में बैठे थे। तो मैंने अच्छा रीडर साहब से कहा कि सबा कमर की बेल अप्लाई हुई है, मुझे बताएं वो होके चले गए हैं या इधर हैं। उन्होंने कहा कि जज साहब, ठीक फाइल है, जो है ना जज साहब के पास है, वो पीछे चैम्बर में बैठे हैं। मैंने कहा उनसे कहें जनाब के अच्छा अपना कंप्लेनेंट आया है, वो जरा बाहर आ जाए या मैं अंदर चला जाता हूँ, उनसे जो जो परमिशन देते हैं। तो वो जज साहब अंदर बैठे ठीक थे, है, तो वो बाहर आ गए। उन्होंने भी पहले पहले मुझसे यही सवाल किया कि सर, आपने जो है ना सबा कमर और जो है ना बिलाल सईद के ऊपर तो FIR करवा दी है, जिन्होंने इजाजत दी है उनके ऊपर FIR नहीं करवाई। मैंने फिर उनसे अर्ज की, जनाब आप FIR पढ़े, आपको सब चीज पता चल जाएगी कि मैंने क्या लिखा है, मैंने एप्लीकेशन में क्या चलिए लिखा था। हाँ, मैंने कहा जी, जनाब आपके पास अख्तियारात हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो बुला लें SHO को, मुतलका को। ठीक हो गया जी, ये उसमें आप ये महकमा उधर जज औकाफ साहब का के जिक्र साथ किया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल किया हुआ है, और महकमा औकाफ के जितने लोग हैं, वो मेरा बयान चला गया, तकीमा बयान, उसमें सारे आएंगे इंशाल्लाह। सारे आएंगे इंशाल्लाह।
चले सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारी सर, काफ़ी रहनुमाई की। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह थैंक यू सो मच भाईजान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खुश रखे। हाफिज़।